हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में है। आज की बात करें तो काफ़ी ऊपर का जंप आपको देखने को मिला था, मोर देन 5% यहाँ पर जंप आपको देखने को मिला था L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में। और आज के हाई की बात करें 93.10 रुपीज़ आज का हाई है। लो की बात करें 88.95 रुपीज़ आज का लो है। बावनवी हाई की बात करें 113.40 रुपये इसका बावनवी हाई है। लो की बात करें तो 47.25 रुपये इसका बावनवी लो है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो किसी टाइम पर काफ़ी ऊपर का शेयर हुआ करता था, अराउंड 200 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था सितंबर 2017 में, और एट प्रेजेंट आपको 91-92 रुपीज़ के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। सो गाइस, इसके अलावा अगर इसके एनालिसिस को चेक करें, चीज़ें काफ़ी बेटर नज़र आ रही हैं। इसके अगर टोटल इसको एनालिसिस को देखें तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी सारी, इवन नो स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 quarters, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 quarters, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 years, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 years, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, कंपनी इज 0 promoter प्लेस फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीकनेस की बात करें तो रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद हाई डेप्ट एंड प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, एंड मेजर फॉल इन TTM नेट प्रॉफिट, फॉल इन क्वार्टरली रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। रिसेंट रिजल्ट्स की बात करें तो डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, दो अपॉर्चुनिटीज भी, इवन जो ब्रोकर हैं वो लास्ट 3 months से इसका जो टारगेट हो अपग्रेड कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं इसके टारगेट को, इवन पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेसिस्टेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थ्रेट की बात करें तो यहाँ पर 2 threats भी नजर आ रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, इंक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। सो गाइज, यहाँ पर प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, जो रिसेंट रिजल्ट जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें, एंड आज की बात करें तो एक मोटी बाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी मोटी बाइंग यहाँ पर आपको मिल रही है। इवन कल की बात करें, कल भी यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर इवन L&T फाइनेंस में आपको दिखी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके सेंटीमेंट की बात करें तो टोटली इसका जो सेंटीमेंट है वो अभी बाइंग का बन रहा है, इवन 80% बाय, 10% सेल एंड 10% होल्ड करने का सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर सेप्टेम्बर से दिसंबर क्वार्टर का अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पर इंक्रीमेंट अच्छा खासा मिल रहा है। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी सेम सिचुएशन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बेटर था, अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि डबल के आसपास यहाँ पर डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर में भी सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट में थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर होल्डिंग की बात करें, एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि इवन आपको अट्रैक्ट भी करेगी, आपको ये लगेगा कि आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए अभी इस प्राइस में, अगर 90 रुपये या इससे नीचे मिले तो फॉर श्योर आपको इकट्ठे करने चाहिए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो चीज़ें ये देखते हैं गाइज हम कि इसमें होल्डिंग कैसे, किस किस की कैसे होल्डिंग है। सो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो मोर देन 63% यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 20% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग नजर आ रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 6% के आसपास होल्डिंग है। तो यहाँ पर चीज़ें, एक फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि एंट्री ली है गाइज, और काफ़ी बड़ी और मोटी एंट्री ली गई है, मोर देन 10.5% यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है L&T फाइनेंस में। तो गाइज यहाँ पर जो कि फॉरेन इन्वेस्टर ऑलरेडी एंट्री ले चुका है, म्यूचुअल फंड यहाँ पर एंट्री ले चुका है, तो क्या लगता है आपको कि ऊपर जाएगा? अगर एनालिस्ट की बात करें तो एनालिस्ट का भी हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म में कितना आपको पैसे दे सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी उसका यहाँ पर जो कि
इसका डिस्कशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें भी देखेंगे। तो उससे पहले हम इसकी न्यूज़ देखते हैं जो कि विद इन अप्रैल जो न्यूज़ आई थी L&T फाइनेंस को लेके। सो गाइस, फर्स्ट न्यूज़ ये थी कि बोर्ड ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अप्रूव स्कीम ऑफ एमलगेमेशन, जो कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं L&T फाइनेंस की, उनका जो मर्जर होना है उसके लिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि 12 अप्रैल को ये न्यूज़ आई थी। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अनाउंस दैट द स्कीम ऑफ एमलगेमेशन बाय वे ऑफ मर्जर बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग एंड L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, एंड ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं विद जो कि जो मर्ज होंगी L&T फाइनेंस लिमिटेड। ऑल होली ओन सब्सिडरीज ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग इज इफेक्टिव टुडे 12th अप्रैल 2021 परसुएंट टू द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ LTFL परसुएंट ऑफ द मर्जर ऑफ LTHFL एंड LTIFC विद TLTFL L&T इंफ्रा ट्रैप्ड फंड। वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो चेंज इन द जनरल करेक्टर ऑफ और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर विच में इंक्लूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस अप्रूवल्स एंड मेकिंग अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस टू द रेगुलेटर इन दिस रिगार्ड। सो गाइज, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पर मर्जर का अप्रूवल मिल चुका है। 12 अप्रैल को ये न्यूज़ आई थी। और ये इसके अलावा एक न्यूज़ और थी कि जो चीफ जो कि जो जो अभी चीफ रिस्क ऑफिसर जो अपॉइंट हुए हैं उनका अप्रूवल आ गया है। इवन जो कि जो अपॉइंटमेंट है जो कि अभी नए जो चीफ रिस्क ऑफिसर होंगे मिस्टर आशीष मलानी होंगे, जिसकी वजह से ये जो कि नेक्स्ट डे ही ये न्यूज़ आई थी 13 अप्रैल को, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी L&T फाइनेंस होल्डिंग को लेके। और ये न्यूज़ भी हर जगह फ्लैश थी, बोर्ड ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अप्रूव्स चेंज इन चीफ रिस्क ऑफिसर, जो कि आशीष मलानी जो कि चीफ रिस्क ऑफिसर जो कि नए रिस्क ऑफिसर अभी अपॉइंट होंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स एट इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे 12th अप्रैल 2021 हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष मलानी एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन प्लेस ऑफ तुषार पटनकर फॉर आर टेन्योर ऑफ 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 13th अप्रैल 2021। इट मीन्स कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। सो गाइज, इसके अलावा एक जो कि इसका जो थर्ड जो फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली हम डेट पर चलते हैं। उसके बाद जो स्टेटमेंट था एक जो कि सीनियर जो रिसर्च एग्जीक्यूटिव थी जो उनका स्टेटमेंट भी देखते हैं। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो अभी रिजल्ट आना है उसका डिस्कशन करते हैं, जो कि ऑलरेडी ये लेटर जा चुका है NSC और BSC को, जो कि 28 अप्रैल को मीटिंग होनी है जिसमें डिसाइड होना है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल जो कि इसका जो Q4 का रिजल्ट अनाउंस होना है प्लस ईयरली रिजल्ट अनाउंस होना है उस मीटिंग में, जो कि 28 अप्रैल को ये मीटिंग होनी है। सो गाइज, जो बड़ी न्यूज़ है जो कि हर किसी को वेट है, जस्ट आयल L&T फाइनेंस कुड गिव अप टू 24% रिटर्न इन शॉर्ट टर्म सेज लिखिता चीपा ऑफ कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च, जो कि जो रिसर्च जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कि कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च कंपनी की, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि शॉर्ट टर्म में 24% जो कि जस्ट आयल प्लस L&T फाइनेंस ये आपको रिटर्न दे सकते हैं। सो गाइज, ये काफ़ी बड़ा इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर L&T फाइनेंस में आपको देखने को मिली है। सो गाइज, अभी इसको ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, एक फ्यूचर में ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट ₹120 के आसपास इसका सेट करके अभी ले सकते हैं। सो वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।